अच्छा सारी बातें सुन ली, अब क्या होगा भाई? सुन लिया तो क्या हुआ, सुने दो ना। खुश नहीं होगा। आई आई, इससे पहले कि अर्जुन अजीत के खिलाफ कंप्लेन कर दे, हम मानव के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं कि उसने कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं मंजू, इस बार कोई जल्दबाजी नहीं। पिछली बार इसी जल्दबाजी में हमारा काम बिगड़ गया था। लेकिन आई, अगर अर्चना ने अजीत के खिलाफ एक्शन लिया तो ही हम उसका जवाब देंगे। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, परसों तक याद करेगी। मेरी अर्जित की शादी तोड़वाई थी ना उसने। ये तो अच्छा हुआ कि अर्चना की वजह से इसकी सही नियत मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हें मुझे इस तरह नहीं छोड़ के जाने दूंगी। मैं तुम्हें इस तरह आगे नहीं बढ़ने दूंगी। उसका पूरा बदला लेंगे हम। वैसे भी अर्चना की जिंदगी नरक बन ही गई है, उसको और बदतर बनाएंगे। लेकिन आई, अगर इन सब बातों का मेरे और विनोद के रिश्ते पर असर हुआ तो? कुछ नहीं होगा तुम दोनों के रिश्ते को। अरे वो तुमसे और पुन्नी से कब तक दूर रह पाएगा? आज नहीं तो कल वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ही अच्छा है। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार मैं झुकने वाली नहीं हूँ। नहीं जाऊंगी मैं उस घर में, उस अर्चना और वर्षा की वजह से। आई, उन लोगों का भला नहीं होना चाहिए। आई, नहीं होगा उनका भला। मैं उनका भला होने नहीं दूंगी। लेकिन बेटा, अब इसके बारे में तू मत सोच ले, बच्चे पर असर पड़ जाएगा। तो अपना ख्याल रख, उनका ख्याल मैं रखूंगी। अर्जु, क्या कहा मंजू ने? और वो आई नहीं तेरे साथ? आई, वो जानती थी, मैं जानती थी कि वो किसी की नहीं मानेगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है, उसे ऐसा क्यों लगता है कि हम सब उसके दुश्मन हैं? सच बताओ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उसकी आई उसे सिखाती होगी। आई ऐसा? चल छोड़, अभी वो पेट से है इसलिए कुछ दिन अपने माँ के पास रहे तो अच्छा ही है। हम भी अपने मन को समझा लेंगे कि वो डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई। बस यहाँ जैसा चलता आया है चलता रहेगा। बस विनोद के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। जिस तरह से मंजू गुस्सा होकर यहाँ से चली गई है ना, उससे विनोद बहुत दुखी हुआ है। और वो अपने साथ पुन्नी को भी लेकर गई। अब यहाँ ना उसके पास अपनी पत्नी है ना बेटी। हम चाहकर भी उसका दुख कभी नहीं समझेंगे। सच बताऊं अर्जुन, पहले मुझे ऐसा लगता था कि विनोद हमसे दूर होकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद यही सही है। भले ही वो हमसे दूर रहे, लेकिन हम सब में प्यार बना रहे, इसी में सबकी भलाई है ना अर्जुन? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई? मैंने तुझसे कहा ना, जो कुछ हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। जो जैसा कर्म करता है ना, उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन उसके लिए तू अपने आप को दोषी मत ठहरा, समझी? वंदेता, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये अकाउंट्स के टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं। जरा दिखाना तो।
हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? किस सेक्शन में प्रॉब्लम है? प्रोविजन, ये तो हमेशा मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता है। आसानी से समझा दिया, लेकिन कैसे? अब तो आदत सी हो गई है। नाइट स्कूल में टीचर थी ना, अर्चना भी तो वहीं पढ़ती थी। तुम पढ़ लो, ठीक है? मैं आती हूँ। और कोई भी मुश्किल हो तो पूछ लेना। मन लगाकर पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अरे बाबा, हमें भी तो मौका दो हाथ बटाने के लिए। नंदू, तुम ये सब रहने दो, तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो। क्या वही, तुम भी ना। अच्छा, समझ लो कि वर्षा और वैशाली आई है तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर भी मैं यही कहूंगी, बंदू कहाँ खो गए? कहीं नहीं। अच्छा बताइए, आप आ गई? कब से सोच रही थी आपसे मिलने की, लेकिन अब क्या बताओ भाई। मेरे पड़ोस में ना एक रानी साहब करके रहते हैं, परसों उनकी भतीजी से मुलाकात हो गई। क्या बताऊं मैं, वो लड़की तो लाखों में एक है। हमारे सतीश के साथ अगर उसके रिश्ते की बात बन गई तो ओहो, मैं तो ये पूछना भूल ही गई, वो सतीश के दिमाग से वो वर्षा का भूत उतरा है कि नहीं? नहीं ताई, सब कुछ एकदम वैसे का वैसा ही है। अर्चना मानव के पास वापस चली गई। मैंने जो सोचा था कि वो मेरा आखिरी ट्रंप कार्ड है, वो भी बेकार हो गया ताई। यहाँ सतीश को मैंने कितनी सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई ताई, लेकिन वो है कि टस से मसी नहीं हो रहा है। कहता है शादी करूंगा तो वर्षा से, वरना करूंगा नहीं। अरे एक दिन तो लड़कियों की तस्वीरें लेके बोला कि सोचता हूँ आई, तो मुझे लगा शायद उसके दिमाग से वर्षा का भूत उतर गया। लेकिन अगले दिन सुबह ही उन लड़कियों की तस्वीरें मेरे हाथ में रख के बोला कि मुझे तो वर्षा ही पसंद है, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अब बताइए ताई, क्या करूं मैं इस लड़के का? एक रास्ता है, अगर मेरी बात मानो तो। नमस्ते ताई। अरे भावना ताई, आप आइए ना, आइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे नमस्ते। नमस्ते भाई, आइए बैठिए बैठिए। कैसे हो बेटा? जा जल्दी से पानी लेकर। कहिए कैसे आना हुआ? ताई जरूरी काम था आपसे। आना तो बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्यों? वो सतीश और वर्षा की शादी को लेकर जो शर्त मैंने रखी थी, सचिताई मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताऊं आपसे। आप तो जानती हैं, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना। देखिए मैं समझ सकती हूँ, और वैसे भी हमने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। उसे बात सुनकर दिल के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। खैर जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बातें तय कर ले। आगे की बात? अब तो अर्चना भी मानव के पास चली गई है, तो हमें भी कोई एतराज नहीं है सतीश और वर्षा की शादी को लेकर। अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई की तारीख पक्की कर लेते हैं और फिर। दरअसल बात यह है ना कि अर्चना। क्या हुआ अर्चना को?
उन लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ना उसे। और ताई अगर नहीं भी किया होगा ना तो वो जल्दी कर लेंगे। अर्चना का स्वभाव है ही इतना अच्छा। और देख लीजिएगा 3 महीने बाद कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अर्चना वापस आ गई है। वापस आ गई है? ताई अगर अर्चना इस घर में रहेगी तो सतीश और वर्षा का रिश्ता होना नामुमकिन है। और ताई एक बात और कहूं, अब सतीश की शादी को लेकर हम और ज्यादा रुक नहीं सकते। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो सतीश के लिए हम कोई और लड़की ढूंढ सकते हैं। जी नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकती हैं। सुलक्षणा बिल्कुल ठीक कह रही है भावना जी। मुझे लगता है सतीश और वर्षा शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। आप सतीश के लिए कोई और लड़की बेझिझक ढूंढ सकते हैं। चलती हूँ मैं। हमारी बेटी अब कौन सी घड़ी में किस्मत लिखवा कर लाई थी। अर्चना की जिंदगी का ये हाल है और वहां वर्षा की जिंदगी से सतीश जैसा अच्छा लड़का चला जा रहा है। अब ये तो सही नहीं होगा ना सुलोचना, क्योंकि भावना दाई की शर्त तो नहीं। नहीं वो तो हम कभी नहीं मानेंगे। वर्षा की जिंदगी में अगर सतीश नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं अपनी एक बेटी की जिंदगी संवारने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकती। कितनी बदनसीब हूँ मैं, मेरी वजह से वर्षा का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है और मंजू बहनी भी घर आने को तैयार नहीं। अर्जु क्या हुआ? अर्जु क्या हुआ? अरे कुछ खास नहीं, ऐसे ही। क्या खास नहीं? तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीधे से बता ना क्या हुआ। नहीं है, ऐसे ही चक्कर आ रहे थे। तो ये तो होना ही था। खुद का ख्याल नहीं रखती हो, ढंग से खाती पीती नहीं हो, तो ये तो होना ही था। आजकल तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। चल तू चल मेरे साथ। चल आई। चल मैंने कहा ना। आई लेकिन कहाँ? डॉक्टर के पास। और कहाँ? वो तुझे कड़वी दवा पिलाएंगे ना, तब तेरी अकल ठिकाने पे आएगी। आई मेरी बात सुन, बस मुझे कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना जरूरत है, तो बस जरूरत है। चल आई मेरी बात सुन, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ ना, तो जाते जाते मैं दवा खाने चले जाऊंगी और सबूत के तौर पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर आ जाऊंगी। अब तो ठीक है। तू क्यों हंस रही है? मुझे यहाँ चिंता हो रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और तुम दोनों की, तू तो मेरी आजकल एक भी बात नहीं सुनती। अर्चना कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। ये अदालत तब तक तलाक के फैसले पर मोहर नहीं लगा सकती जब तक पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से राजी ना हो। तू मेरे घर में 3 महीने रहेगी? 3 महीने क्या? 3 दिन क्या? 3 घंटे नहीं रहेगी। चाल का मिलना अब नामुमकिन है। तुम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो और मैं सचिन की गलती का। बहुत देर कर दी तुमने आने में, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर
अर्चना ने अजीत के खिलाफ एक्शन लिया तो ही हम उसका जवाब देंगे। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे परसों तो याद करें। भाई अगर अर्चना इस घर में रहेगी तो सतीश और वर्षा का रिश्ता होना नामुमकिन है। मुझे लगता है सतीश और वर्षा शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। वर्षा की जिंदगी में अगर सतीश नहीं है तो नाज़, लेकिन मैं अपनी एक बेटी की जिंदगी संवारने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकती। मुझे लगता है सतीश और वर्षा एक बेटी की जिंदगी संवारने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकती। अर्चु अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं कहां रह गई। वैशु, अर्चु अभी तक नहीं लौटी है। इतनी देर थोड़ी लगती मार्केट से लौटने में। अरे टेंशन क्यों ले रही है, आ जाएगी वो आई। अरे क्या आ जाएगी, तू जल्दी से फोन कर। आ जाइए, जो मैं कह रही हूँ वो कर, जा जल्दी से फोन कर। ठीक है। बोलना क्या हुआ? आई स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दोबारा कोशिश कर। एक मिनट आई। क्या हुआ? वही हो रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, तू एक काम कर, बगल वाली दुकान में तेरे बाबा होंगे, जल्दी से उन्हें बुला कर लेकर जा। मुझसे ही गलती हुई, मुझे जाना चाहिए था उसके साथ। हे भगवान, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी अर्चु। भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ का है? अरे ये अर्चना यहाँ क्या कर रही है? इसे क्या हुआ? अरे पता नहीं, मुझे तो सब छोड़ छाड़ के बैग वैग लेके चली गई थी, आज फिर से वापस आ गई। ये क्या बकी जा रही हो? चुप रहो। क्या हुआ? मुझे भी कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं बेहोश पड़ी थी, ये लोग उसे लेके आए, मुझसे रहने गया, मैं उसे अंदर ले आया। कहाँ मिली ये तुम्हें? जी ये मार्केट में बेहोश पड़ी थी और इनका मोबाइल भी टूट गया था। हमने पता लगाने के लिए जब इनका बैग देखा तो उसमें ये रेलवे पास मिला जिसमें यहाँ का एड्रेस लिखा था, इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। धन्यवाद भाई साहब। जी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये लीजिए इनका बैग। अच्छा हम चलते हैं।